नमस्ते, जय माता दी। मैं इंदु आहूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे नवरात्रि दिन 7 के बारे में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसे कि सारे दिन इम्पोर्टेंट है ना, ये भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट दिन है। ये आ रहा है सोमवार को और तारीख होगी 15 अप्रैल 2024। आज के दिन पूजा की जाती है माता काल रात्रि की। थोड़ा सा मैं इनके बारे में आपको बता देती हूँ। ये पार्वती माता का ही रूप है और इन्होंने ये रूप जो धारण किया था, ये धारण किया था राक्षस का विनाश करने के लिए, शंभु निशंभु, और खास तौर पे जो रक्त बीज है उनका खून जमीन पे गिरे उससे पहले इन्होंने ले लिया था। इसीलिए इनका जो रूप है ये बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव वाला रूप है, गुस्से वाला रूप है। अगर आप इमेज इनके देखेंगे तो उनका पूरा चेहरा काला है, ठीक है। पार्वती माता ने अपनी जो ग्लोइंग स्किन है वो अपनी उतार के उस तरीके का उन्होंने वो रूप धारण किया था और उन्होंने राक्षस का विनाश किया था। उसी प्रकार से अगर हमारे जीवन में कोई भी नेगेटिविटी है, कोई भी प्रॉब्लम्स है, आपको लगता है कि किसी ने कुछ कर दिया है, या कोई भी की तरह की जीवन में रोक है, या आपको लगता है कि आपके छुपे हुए दुश्मन है, या आपको हमेशा डर बना रहता है कि कोई भी हमारा नुकसान नहीं कर दे, कोई हमें तकलीफ ना दे, कोई भी ऐसा अगर आपके मन में डर भी है, तो सबसे बेस्ट है आज के दिन आपको माता की जरूर से पूजा करनी चाहिए। जरूरी है कि अगर आपने बाकी दिन नहीं किए तो ये दिन नहीं कर सकते, और ये भी जरूरी नहीं कि अगर आपने व्रत नहीं किया तो आप उपाय नहीं कर सकते। उपाय आप जरूर से कर सकते, और ये भी मैं फिर से रिपीट कर दूं कि कोई एक दिन का भी अगर आप उपाय करते तो भी अच्छा है। और जो सारे उपाय मैं बता रही हूं, अगर सभी लोग ऐसे भी करते हैं तो ओवरऑल हमारी लाइफ के लिए बहुत अच्छा है। जिस प्रकार से माता के 9 रूप होते हैं, उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी बहुत सारे उथल पुथल होती है, बहुत सारी समस्याएं होती है, बहुत सारी बातें होती है, और हमें उसके लिए डट के मुकाबला भी करना होता है। तो जब आप 9 रूपों की अलग अलग तरीके से उपाय करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो उनकी शक्ति है, जो उनके रूप का जो मीनिंग है, वो आप अपने अंदर भी धारण कर लेते हैं। और फिर जैसे नवरात्रि पूरे होते तो आप अपने आप को महसूस भी करेंगे कि एक अलग ही शक्ति मेरे अंदर आ गई है, जैसे मैं एक नया इंसान बन गया और जीवन को अलग तरीके से मैं अब सामना कर पा रहा हूँ। क्योंकि जीवन में समस्या तो आती रहेगी जब तक हम जीवित हैं, तो इसीलिए आपको अपना मन साफ रख के इस सारे उपाय को करना है। मंत्र भी जरूर से आप कीजिएगा, जरूर इससे परिवर्तन आएगा। अब उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज के दिन जो माता को भोग लगेगा, वो भोग लगेगा गुड़ का। उन्हें गुड़ बहुत ही ज्यादा पसंद है, ठीक है। अब इन केस आप गुड़ को डायरेक्टली नहीं खा सकते तो आप बाद में उसको खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं प्रसाद के तौर पर। जो भी आप भोग लगाएंगे ना, वो आपको घर में सभी मेंबर्स को खा लेना है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, अगर आप कोई भी इनमें से भोग नहीं लगा पाते, जो मैं डे वाइज आपको बताती हूँ, तो आप खड़ी शक्कर या मिश्री का भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, आज के दिन ऐसा माना जाता है कि जो हमारे पास्ट कर्माज होते हैं ना, जो भी हमने अब तक जो बुरे कर्म किए उसकी वजह से हमें ये जीवन में तकलीफ आ रही है ना, तो आज के दिन आपको 9 ग्रहों की भी पूजा करनी चाहिए। अब वो सपोज ये पॉसिबल नहीं है, तो 9 ग्रहों के जो देवता होते हैं वो होते शिव भगवान। तो शिव भगवान का अगर मंत्र आप केवल ओम नमः शिवाय भी आज दिल से करते तो बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। सिर्फ दिन भर आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहे, साथ ही साथ आप गणपति बापा का भी मंत्र बोले, ओम गण गणपते नमः। और तीसरा जो मंत्र होगा वो होगा चामुंडा विच्चे का। चामुंडा विच्चे का मंत्र आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, आपको जाके सिर्फ सर्च करना है चामुंडा विच्चे इंदुजी के रेमेडीज। इस मंत्र को अगर आप अपने घर में चला के भी रखते हैं तो उससे आपके घर की जो भी नेगेटिविटी है ना, वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। इतना ज्यादा पावरफुल मंत्र है ये। तो आप दिन भर ये मंत्र को बोलते रहे या चलाते रहे, देखिए फिर अपने जीवन में परिवर्तन। आज का जो कलर होगा वो होगा सफेद, क्योंकि काल रात्रि का जो मतलब होता है वो भी मैं आपको बता दूं। काल का मतलब होता है समय या तो मृत्यु, ठीक है, और जो रात्रि होता है वो होता है अंधकार। तो यहाँ पे अंधकार का अंत होगा, यानी कि नेगेटिविटी को खत्म करने का आज का ये दिन है, या हमारे अंदर की जो बुराइयां हैं उसको हमें अंत करना है। क्योंकि इस जन्म में अभी जाने अनजाने में कोई ना कोई जरूर से हमसे गलतियां हुई होगी, तो हमें आज दिन भर माफी मांगनी। हमने ये बोलना है कि पिछले जन्म में या ये जन्म में जाने अनजाने में जो भी मुझसे भूल हुई होगी, गलती हुई होगी, मुझे माफ करना,
दिन भर आप दिल से माफी मांगिएगा। आज के दिन आपको एक बहुत ही अच्छा उपाय बताने जा रही हूँ, जरूर से आप इसको कीजिएगा। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, नहाने के पानी में थोड़ा सा आपको दूध डाल के नहाना है, एक चम्मच भी डाल देंगे तो वो काफी है। कच्चा दूध नहीं है तो जो भी दूध आपके पास होगा वो थोड़ा सा आप उसमें डाल दीजिए। ओम नमः शिवाय बोलते हुए आप उस पानी से स्नान कर लीजिएगा। अब जो मेन उपाय आपको आज के दिन करना है वो सभी के नाम से आप ये कर सकते हैं। आपको आज के दिन तैयार करना है एक आटे का दिया। आटे का दिया अगर आप चार मुखी करते हैं तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। नहीं तो आप रेगुलर ही दिया ले लीजिएगा जो आपके पास होगा। आपको दो बाती लेनी है लंबी लंबी और क्रॉस में उसको रख देनी है। अब आज के दिन आपको सरसों के तेल का इस्तेमाल करना होगा क्योंकि हम यहाँ पे नेगेटिविटी को खत्म कर रहे हैं, तो सरसों के तेल का आप इस्तेमाल करेंगे। इसके अंदर आप डाल देंगे दो फूल वाली लौंग। अब इन केस आपके पास सरसों का तेल नहीं है तो जो रेगुलर तेल आप यूज करते हैं वही आप डाल दीजिए और उसमें थोड़ी सी काली सरसों जो होती है ना वो आप डाल दीजिए। इस दिए को आपको जरूर से जलाना है मनोकामना करते हुए सभी परिवार की सुख शांति के लिए। यहाँ तक कि अगर आपकी सेहत बहुत ज्यादा खराब रहती है या घर में कोई मेंबर है जिसकी हेल्थ बहुत ज्यादा खराब रहती है तो ये दिया बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। उसमें आप ये दिया जलाते हुए मनोकामना जरूर से कर लीजिएगा, ठीक है। अब जब दिया बुझ के हो जाएगा बाद में आपको क्या करना है, अगर रेगुलर दिया तो ठीक है, बाकी का जो सामग्री है आप उसको मिट्टी में डाल देंगे। लेकिन अगर आपने आटे का लिया तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि इसके बहाने आपका और एक काम हो जाएगा, आपको मैं बताती हूँ। उसके अंदर आपको क्या करना है, शक्कर या चीनी आपको डाल देनी है, साथ ही साथ आपको थोड़े से उसके अंदर काले तिल डाल देने हैं और उसका एक गोला आपको बना देना है और बाहर से भी आपको चीनी या जो शक्कर होती है वो आप लगा देंगे तो एक लड्डू की तरह हो जाएगा, मीठा गोला बन जाएगा। इसको अब आप जाके पेड़ के नीचे डाल देंगे या जहां पे भी आपको चींटियां या मकोड़े दिखते वहां पे आप डाल देंगे, किसी भी दिन आप डाल सकते हैं। नहीं तो आप छोटी छोटी गोलियां करके इसको मछलियों को डाल देंगे, ठीक है, दोनों में से कोई भी किया। अब इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि आपके जो पास्ट कर्मास के लिए जो आपने ये मकसद के लिए किया है वो आपके इसमें कट होते चले जाएंगे, तो जितना इसको चींटियां या मछलियां खाएंगी उतना आपके लिए शुभ रहेगा। इसलिए आटे का दिया अगर आप बनाते हैं तो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा, अदरवाइज मैंने आपको ऑप्शन तो दे ही दिया है। तो आज मैंने आपको जो भी उपाय बताए ना इनको दिल से जरूर से कीजिएगा, वीडियो को शेयर करें ताकि बाकी लोगों की भी मदद हो पाए। इस तरह के वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक आप अपना पूरा ध्यान रखिएगा। नमस्कार, जय माता दी।